हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई का पूरा ध्यान रखे होंगे। और अगर आपने मेरा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं मैथमेटिक्स के अलावा भी कुछ वीडियो डालूंगा इसमें, तो आपको एक से एक अच्छी वीडियो देखने को मिलेगी। और मेरा कंसेप्ट अगर आपको समझ में आता हो तो वीडियो को लाइक करते रहें, अपने यार दोस्तों को शेयर करते रहें, ताकि हमारा मोटिवेशन बढ़ता रहे। तो आज हम आपको बताएंगे कि लाइंस एंड एंगल्स क्लास 9 का चैप्टर 6 है। इससे पहले वाली वीडियो में हमने आपको बताया था कि लाइंस क्या और एंगल्स क्या होते हैं, कितने टाइप के एंगल्स होते हैं, पेयर ऑफ एंगल्स क्या होते हैं, लीनियर पेयर, ठीक है, वर्टिकल अपोजिट एंगल, इस तरीके से कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री एडजेसेंट एंगल्स रिफ्लेक्स एंगल एवरीथिंग वी हैव कंप्लीटेड इन लास्ट वीडियो। यू इफ यू स्टिल नॉट सब्सक्राइब माय चैनल देन प्लीज सब्सक्राइब इट एंड सी दैट वीडियो। तो उसी टॉपिक से रिलेटेड वी हैव टू डिस्कस द एक्सरसाइज 6.1, ठीक है। बहुत अच्छी सी एक्सरसाइज है, तो करते हैं इस एक्सरसाइज को। क्वेश्चन नंबर 1 इसमें दे रखा है कि लाइंस ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ इन द गिवन फिगर। तो इसका फिगर अवेलेबल है, तो फिगर हमने यहाँ पे इस तरीके से ड्रॉ कर लिया। ये लाइन इस तरीके से आई है और एक लाइन यहां से इस तरीके से। अगर नेमिंग फिगर गिवन है तो उसमें गिवन होगी, अगर फिगर नहीं गिवन है तो नेमिंग हम अपनी तरफ से कर सकते हैं। ये सी एंड डी, ठीक है। ये डायग्राम गिवन है, ए बी और सी डी, यानी ए बी और सी डी ये दोनों लाइनें एक दूसरे को ओ पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं। तो इफ ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई इज इक्वल टू 70 डिग्री, बी ओ डी 40 डिग्री, फाइंड द एंगल बी ओ ई एंड रिफ्लेक्स ऑफ सी ओ ई। तो हमें फाइंड आउट करना है, एक तो ये एंगल एंगल बी ओ और दूसरा रिफ्लेक्स ऑफ सी ओ ई, मतलब सी ओ ई हमें निकालना होगा, ठीक है ना। तो देखो बेटा, जिस क्वेश्चन में फाइंड आउट करने के लिए लिखा हुआ हो उसमें तो हमें लिखना चाहिए क्या कि सोल्यूशन, और जिसमें प्रूफ करना है उसमें गिवन टू प्रूव दैट कंस्ट्रक्शन इफ रिक्वायर्ड एंड देन प्रूफ देन हैज प्रूव्ड, ठीक है। तो इसमें हमें निकालना है कि फाइंड द एंगल बी ओ ई एंड रिफ्लेक्स ऑफ एंगल सी ओ ई। तो देखो, रिफ्लेक्स हमने आपको बताया था कि सी ओ ई का रिफ्लेक्स क्या होगा कि 360 माइनस एंगल सी ओ ई, तो ये एंगल इसका रिफ्लेक्स एंगल के इक्वल होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि गिवन क्या है हमें, एंगल ए ओ सी, एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई इज इक्वल टू 70 डिग्री एंड एंगल बी ओ डी इज इक्वल टू 40 डिग्री। तो एंगल बी ओ ई निकालना, पहले बी ओ ई फाइंड आउट कर ले हम, उसके बाद आगे की तरफ। तो देखो, इसने हमें गिवन है कि ये प्लस ये बराबर 70 डिग्री और ये एंगल हमें गिवन है कि 40 डिग्री, तो बहुत आसानी से एंगल बी ओ ई निकल आएगा। तो ये प्लस ये 70 डिग्री का है, ये 40 डिग्री का है, तो इसके ये वर्टिकल अपोजिट एंगल है तो ये भी 40 डिग्री का आ जाएगा, ठीक है। अब ये प्लस ये 70 का है तो ये कितने का रह गया, 30 डिग्री का रह गया, ठीक है। तो इस तरीके से ये 30 डिग्री एंगल निकल आएगा, लेकिन लिखेंगे कैसे ये बात हमने समझ ली है। यहाँ हमने लिखा कि ये हमें फाइंड आउट करना है कि एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई इज इक्वल टू 70 डिग्री, ये बात दे रखी है ना। यहाँ हम लिख देंगे कि एंगल बी ओ डी इज इक्वल टू एंगल ए ओ सी, तो बी ओ डी 40 है तो ए ओ सी भी 40 का हो गया। क्यों हो गया भाई, क्योंकि वर्टिकल अपोजिट एंगल्स हैं ये, इसलिए।
हमने इससे पहले वाली वीडियो में बताया था ना, इस तरीके से दो लाइनें इंटरसेक्ट करती हैं, तो ये एंगल इसके इक्वल होगा और ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा। तो AOC 40 डिग्री का आ गया, यहाँ पर पुट कर दें AOC 40 डिग्री, तो BOE की वैल्यू आ जाएगी, दिस इज इक्वल टू 70 डिग्री, एंगल BOE इज इक्वल टू 70 माइनस 40 डिग्री, दिस इज इक्वल टू 30 डिग्री। ठीक है, अब एक बात और आप देखो कि एक लाइन है ये, एक लाइन पर जितने भी ये एंगल बने होंगे उन सब का सम क्या होगा, 180 डिग्री के इक्वल होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, तो देखते हैं कैसे होगा कि ये मुझे COE निकालना पहले, तो यहाँ मैंने लिखा कि AOC प्लस एंगल COE प्लस एंगल BOE इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, आगे हम रीजन लिख सकते हैं, एंगल्स एट ए पॉइंट ऑन द सेम साइड ऑफ ए लाइन, एंगल्स एट ए पॉइंट ऑन द सेम साइड ऑफ ए लाइन। ठीक है, स्ट्रेट एंगल भी लिख सकते थे। तो AOC और प्लस BOE 70 डिग्री का है, प्लस COE आ गया 180 डिग्री हो गया, एंगल COE 180 माइनस 70 डिग्री इज इक्वल टू 110 डिग्री। ठीक है, अब देखो COE 110 डिग्री का आ गया, मुझे चाहिए उसका रिफ्लेक्स, तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा कि रिफ्लेक्स ऑफ एंगल एंगल COE इज इक्वल टू 360 माइनस एंगल COE। तो 360 में से मैंने 110 माइनस कर दिया, कितना बचा 250 डिग्री। ठीक है, तो ये एक सिंपल सा क्वेश्चन था, कि मुझे उम्मीद है कि ये बात समझ में आ गई होगी आपको। वॉच द वीडियो एंड कॉपी इट, देन कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, उसमें भी डायग्राम गिवन है और बनाते हैं उस डायग्राम को और फिर क्या क्वेश्चन कह रहा है उसको हम समझते हैं और फिर हम उसको करते हैं। तो कम टू द क्वेश्चन नंबर 2, पहला इन द गिवन फिगर 6.14, तो फिगर बना लेते हैं पहले ज्योमेट्री में बेटा, अगर पेपर में क्वेश्चन दे भी रखा है तब भी आप, और उसका डायग्राम भी पेपर में दे रखा है तब भी आप कॉपी पर जरूर ड्रॉ करें उसको। ठीक है, बिना डायग्राम के ज्योमेट्री कैन नॉट बी कंप्लीटेड। तो इस तरीके से एक डायग्राम दे रखा है, यहाँ पे लिखा हुआ एक्स, ये वाई, ये पी, ये एंगल ए, ये एंगल बी, ठीक है, ये एंगल सी, ये स्मॉल ए बी सी है, ये ओ, और इस तरीके का इंडिकेशन, इसका मतलब ये एंगल 90 डिग्री के इक्वल है। ठीक है, तो इसने कहा कि एक्स वाई एंड पी एन इंटरसेक्ट ईच अदर एट ओ, इफ एंगल POY इज इक्वल टू 90 डिग्री फाइंड एंगल सी। तो हम लिख लेते हैं इसको पहले, यहाँ लिखा हमने क्वेश्चन नंबर 2 और उसका सोल्यूशन। हमें गिवन है कि एंगल POY इज इक्वल टू 90 डिग्री और A:B इज इक्वल टू 2:3 फाइंड एंगल सी, और सी की हमें वैल्यू निकालनी है। तो देखो बेटा, जब भी रेशियो की बात हो तो उसको हमेशा आप क्या करेंगे कि किसी एक वेरिएबल में कन्वर्ट कर देंगे। जैसे A:B बराबर 2:3 दे रखा, तो हम लिख लेंगे कि लेट एंगल ए इज इक्वल टू 2x, ये स्मॉल x है, ये कैपिटल x है, और एंगल बी इज इक्वल टू 3x। ठीक है, अब आप एक बात देखो कि ये 90 डिग्री का है, इसका मतलब ये प्लस ये 90 डिग्री का होगा, होगा कि नहीं होगा? तो होगा ही। तो हमने लिख लिया कि एंगल POY इज इक्वल टू 90 डिग्री, विच अप्लाई दैट कि एंगल POX इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, एक लाइन पर अगर ये दो एंगल है तो दोनों का सम 180 डिग्री का है,
तो ये 90 का, तो ये बचा हुआ भी 90 का। तो अब मैंने ये POX किसके इक्वल है, A प्लस B के, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया A प्लस एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। तो अब आप देखो कि A की वैल्यू कितनी है 2x, तो यहाँ मैंने लिख लिया 2x, B की वैल्यू कितनी है 3x, तो ये आ गया 90। तो क्या बन गया ये 5x इज इक्वल टू 90, x इज इक्वल टू 90 अपॉन में 5, ये कितना बन गया 5 बन गया 5, 5 एक्स का 40 यानी 18 डिग्री का। तो x आया 18 डिग्री का, तो मुझे चाहिए एंगल B और एंगल A। तो एंगल A इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2x, तो दिस इज इक्वल टू 2 इंटू 18 इज इक्वल टू 36। एंगल B इज इक्वल टू कितना दे रखा मुझे 3x है, तो 3 इंटू 18 18 तीन 72 54, तो एंगल B बराबर हो गया हमारा 50 डिग्री। अब मुझे तो एंगल C फाइंड आउट करना है, तो देखो ये एक स्ट्रेट लाइन बन गई। अगर ये एक स्ट्रेट लाइन बन गई तो ये इस तरीके से B प्लस C एक लीनियर पेयर एंगल हो गया, तो B उनका सम कितना होगा 180 डिग्री का। तो हम यहाँ पर हमने लिख लिया एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्यों, क्योंकि ये लीनियर पेयर है। B की वैल्यू कितनी है 54, तो एंगल C की वैल्यू 180 में से क्या कर देंगे सबट्रैक्ट कर देंगे, तो 54 इसमें से माइनस कर दिया, 10 माइनस 4 6 और 7 माइनस 5 2 और 1 यहाँ पे बचा, तो ये कितने डिग्री का आ गया 126 डिग्री का आ गया, ठीक है। उम्मीद है कि समझ में आया होगा। वॉच द वीडियो एंड कॉपी इट, देन कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसी टाइप के क्वेश्चंस होंगे बेटा इस एक्सरसाइज में कुछ, जो कि आसानी से होते रहेंगे अगर आपको कंसेप्ट मालूम है। बेटा ज्योमेट्री बाकियों से सिंपल है, अगर आपको उस ज्योमेट्री में उस टॉपिक में लगने वाले सभी कंसेप्ट के बारे में जानकारी है तो, ठीक है। अगर कंसेप्ट के बारे में जानकारी नहीं है तो लर्न करते करते परेशान हो जाओगे, और कोई सा भी नया क्वेश्चन आएगा तो आप हमेशा उसे डरेंगे। लेकिन अगर कंसेप्ट मालूम है तो आप कहीं न कहीं से उसका आंसर जरूर फाइंड आउट कर देंगे, ठीक है। तो कम टू द क्वेश्चन नंबर 3, क्या कह रहा है ये क्वेश्चन नंबर 3। एक डायग्राम इसमें भी गिवन है, हर एक क्वेश्चन में डायग्राम गिवन है एक्सरसाइज में, किसी में अपनी तरफ से नहीं बनाना। और यहाँ पे इस तरीके से एक ट्रायंगल जैसा दे रखा है, इसका नेमिंग है कि P, Q एंड R एंड दिस इज ए T एंड दिस इज ए S, ठीक है। अब यहाँ पर प्रूफ करना है, तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे कि वाट एवर इज गिवन इन द क्वेश्चन। तो गिवन क्या लिखा हुआ है कि एंगल PQR इज इक्वल टू एंगल PRQ, एंगल PQR इज इक्वल टू एंगल PRQ, ठीक है। और कुछ दे रखा है इसमें, और नहीं दे रखा, तो कह रहा टू प्रूव दैट, मतलब फाइंड आउट करना मुझे कि टू प्रूव दैट क्या प्रूव करना है, देख लेते हैं कि टू प्रूव दैट एंगल PQS इज इक्वल टू एंगल PRT, ठीक है। ये बात मुझे क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। तो हम देखें पहले PQR, तो PQR ये वाला एंगल हुआ, ये किसके इक्वल है PRQ यानी इस वाले एंगल के इक्वल है। प्रूफ क्या करवा रहा है कि PQS यानी PQS यानी ये वाला एंगल किस एंगल के बराबर प्रूफ करना है, इस वाले एंगल PRT के इक्वल प्रूफ करना है मुझे, ठीक है ना। तो बहुत आसान सा काम है, देखो ये प्लस ये 180 डिग्री का होगा, ये प्लस ये 180 डिग्री का होगा, तो ये प्लस ये बराबर होगा ये प्लस ये। अब चूंकि ये इसके इक्वल है तो ये भी इसके इक्वल हो जाएगा, दो लाइनों में क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो जाएगा, दो तीन में लिख लेते हैं इसको कि प्रूफ, ठीक है। तो जो चीज हमें गिवन है वो हमने ये चलो अप्लाई कर लेंगे उसको, कि एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल पी क्यू एस इज इक्वल टू 180 डिग्री लीनियर पेयर, ठीक है ना। ये अगर ऐसे दीवार है
तो ये लाइन, ये रे इस लाइन पे स्टैंड है, तो ये प्लस ये 180 डिग्री का होगा। इसी तरीके से क्या होगा कि पी आर टी प्लस एंगल कौन सा लिख दें, पी आर क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये भी लीनियर पेयर हो गया, ठीक है ना। तो ये दोनों 180 180 हो गए, तो इसका मतलब ये इसके इक्वल है, तो ये भी इसके इक्वल होगा। तो इसको मैंने मान लिया नंबर वन, और इसको क्या मान लिया मैंने नंबर टू सपोज कर लिया। तो यहाँ क्या लिख लेंगे कि फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट एंड सेकेंड एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल पी क्यू एस इज इक्वल टू एंगल पी आर टी प्लस एंगल पी आर टी, ठीक है। लेकिन हमें क्या बात पता है, ये चीज मालूम है, तो हमने यहाँ पर वो भी अप्लाई कर दी कि बट एंगल पी क्यू आर, पी क्यू आर इज इक्वल टू एंगल पी आर क्यू, इसके ये इक्वल दे रखा। तो पी क्यू आर ये है और पी आर क्यू ये है, यानी ये इसके इक्वल है। तो मैं चेंज कर देता हूँ इसको, पी क्यू आर प्लस एंगल पी क्यू एस इज इक्वल टू एंगल पी आर टी प्लस एंगल, इसका नाम क्या चेंज कर लूँ, पी क्यू आर, ठीक है। तो ये वाला इससे कैंसिल हो गया, ये बाकी हमारा क्या बच गया, आंसर आ गया पी क्यू एस इज इक्वल टू एंगल पी आर टी। यहाँ क्या लिखेंगे हम, हेंस प्रूफ, ये बात प्रूफ, ठीक है, समझ लो इसको। और पॉज द वीडियो एंड कॉपी इट, देन कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर फोर। यहां पर भी एक डायग्राम गिवन है, और ये इस तरीके से बना हुआ है, एक लाइन तो ये है हमारे पास, और एक लाइन इस तरीके से आई और एक लाइन ये आई, ठीक है। और इसमें नेमिंग बहुत सारी है कि ये एक्स है, ये वाई है, ये जेड है, और ये डब्ल्यू है। इसका नाम ए बी, और ये सी, और यहाँ पर ओ है, और ये दे रखा मुझे डी, ठीक है। तो अब इसमें हमसे क्या प्रूव करवा रहा है, प्रूव दैट ए ओ बी इज ए लाइन, ए ओ बी इज ए लाइन, ये बात तो हमने प्रूव करनी है। पहले गिवन लिख लेते हैं क्वेश्चन का, गिवन क्या क्या है, हमें गिवन में दे रखा है कि x प्लस वाई इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड, यानी x प्लस वाई इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड, यानी डब्ल्यू प्लस जेड बराबर इसके हैं, x प्लस वाई के। टू प्रूव दैट क्या प्रूव करना है कि ए ओ बी इज ए लाइन, इज ए लाइन, ठीक है। यहां हम क्या प्रूव कर सकते हैं कि ए ओ बी इज इक्वल टू 180 डिग्री, 180 डिग्री का होगा तो एक स्ट्रेट एंगल हो जाएगा, स्ट्रेट एंगल किस में बनता है, एक लाइन में बनता है, तो लाइन ये प्रूफ हो जाएगी इस तरीके से। तो प्रूफ लिख लेते हैं इसका, प्रूफ में क्या आया ये कि देखो एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड दे रखा है, और एक पॉइंट पर जितने भी एंगल बने होते हैं उन सब का सम क्या होता है, 360 के इक्वल होता है। तो ओ पर जितने भी एंगल बने सबका सम कितना होगा, 360 के डिग्री के इक्वल होगा। तो मैंने यहाँ पे क्या लिख लिया कि x प्लस वाई प्लस डब्ल्यू प्लस जेड इज इक्वल टू 360 डिग्री एंगल्स एट ए पॉइंट, ठीक है। तो कंप्लीट एंगल है ये। अब देखो x प्लस वाई बराबर डब्ल्यू प्लस जेड के है, ये यहाँ पर गिवन है, तो यहाँ मैंने लिखा कि बट x प्लस वाई इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड, ब्रैकेट में लिख देना कि ये गिवन है। तो w प्लस जेड की जगह मैं x प्लस वाई लिख सकता हूँ, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया कि x प्लस एंगल वाई प्लस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब दो तो दो एंगल x हो गए और प्लस दो एंगल y हो गए, दिस इज इक्वल टू 360, टू कॉमन ले लिया,
एक्स प्लस वाई, ठीक है, इस तरीके से लिख देते हैं, इज इक्वल टू 360 डिग्री, तो एंगल एक्स प्लस एंगल वाई इज इक्वल टू 360 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब एक्स प्लस वाई बराबर कितने, एक्स प्लस वाई बराबर क्या है, बी ओ सी और प्लस सी ओ ए, तो दोनों मिलकर क्या बन जाएंगे, एंगल ए ओ बी बन जाएगा, तो ए ओ बी इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो ए ओ बी क्या हो गई, इज अप्लाई दैट ए ओ बी इज ए लाइन, ए ओ बी इज ए लाइन, ठीक है, हैंस प्रूफ हो जाएगी। तो इस तरीके से क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट वाला देखते हैं क्या क्वेश्चन कह रहा है ये, वॉच द वीडियो एंड कॉपी इट। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में ये बेटा, क्वेश्चन नंबर जो 5 है, इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बाय द पॉइंट ऑफ द एग्जामिनेशन, और कुछ टेक्टफुल क्वेश्चन होगा ये, बहुत मुश्किल नहीं है, लेकिन ये कि अगर आप एक बार मैं कराऊंगा, एक बार आप कर लेंगे अपने आप, भाई मैथमेटिक्स का सीधा सा फंडा है कि आपको प्रैक्टिस जरूर करनी ही पड़ेगी, जैसे टीचर जब भी चाहे क्लास में कराए या यूट्यूब का टीचर कराए, तो आपको लगेगा कि बड़ा आसानी से होता चला जा रहा, और जब आप उसको करने बैठेंगे तो आपको क्या लगेगा कि हो नहीं रहा, ठीक है ना, तो आप उसको करेंगे तभी समझ में आएगा। तो इसी टाइप का एक क्वेश्चन दे रखा है और उसको हम करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि इन द गिवन फिगर, तो फिगर बना लेते हैं इसका, और ये एंगल इसने 90 डिग्री का गिवन है, और ये पी क्यू इसका नाम नेमिंग है, यहाँ पर ओ है और ये आर, और यहाँ पर एक और लाइन है इस तरीके से, ये एक ही पॉइंट पर है सारे, और ये एस आ गया, ठीक है। कह रहा पी ओ क्यू इज ए लाइन और रे ओ आर इज परपेंडिकुलर ऑन द लाइन पी क्यू, मतलब ये लाइन, ये रे इस लाइन पर क्या है, परपेंडिकुलर है, ठीक है। ओ एस द नेदर इन लाइन बिटवीन द रे ओ पी एंड ओ आर, मतलब ओ एस बाइसेक्टर नहीं है इसका, क्या है कि इस बने एंगल के बीच में कहीं पर ये जा रही है, तो हमसे कह रहा है कि प्रूफ करो, तो वो प्रूफ अभी हम लिखते हैं इस पे, पहले गिवन लिख लें और उसके बाद आगे देखते हैं हम इसको, कि गिवन क्या बात, गिवन है कि ओ आर इज परपेंडिकुलर ऑन पी क्यू, चाहे हम आर ओ लिख लें या फिर ओ आर लिख लें, एक ही बात है, टू प्रूव दैट, टू प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है, प्रूव करना हमें कि आर ओ एस एंगल आर ओ एस इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल क्यू ओ एस प्लस एंगल पी ओ एस, ठीक है, इस माइनस है ये माइनस पी ओ एस, ठीक है, इसके इक्वल हमें प्रूफ करना है। तो पहले हम देख लेते हैं कि ये है कहाँ कहाँ पर, आर ओ एस मतलब ये वाला एंगल है, क्यू ओ एस क्यू ओ एस यानी ये पूरा एंगल है, और पी ओ एस ये वाला एंगल है, ठीक है। तो एक ही मेन बात गिवन है कि ओ आर इज परपेंडिकुलर ऑन पी क्यू, मतलब एंगल आर ओ क्यू इज इक्वल टू 90 डिग्री, इसी से हमें प्रूफ करना पड़ेगा ये, तो हमने लिखा है यहाँ पर प्रूफ, तो जो बात गिवन है वो पहले मेंशन कर लें यहाँ पर, कि एंगल आर ओ क्यू इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो अगर ये 90 डिग्री का है तो इसका मतलब पी ओ आर भी 90 डिग्री का होगा, तो विच अप्लाई दैट कि एंगल पी ओ आर इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। अब देखो बेटा, ये जो 90 डिग्री का है इसको आप और क्या लिख सकते हो, ये वाला एंगल 90 डिग्री का है, तो मैं इसको रिप्रेजेंट करने के लिए मैं ऐसा भी तो लिख सकता हूँ कि इस पूरे एंगल में से इसको माइनस कर दूं तो ये वाला बचा रहेगा, फिर से देखो,
कि मुझे ये एंगल गिवन है, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए मैं ये भी तो लिख सकता हूँ कि इस पूरे में से इस वाले एंगल को माइनस कर दूं तो ये बचा रहेगा। तो वो मैंने यहाँ पर लिख लिया कि एंगल एस ओ क्यू, ठीक है, ये एंगल एस ओ क्यू, सॉरी ये हमने ठीक लिखा कि एस ओ क्यू माइनस एंगल एस ओ आर इज इक्वल टू 90 डिग्री, ऐसा लिखा जा सकता है इसको। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, पी ओ आर, पी ओ आर ये प्लस ये लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने ये लिख लिया कि एंगल पी ओ एस प्लस एंगल क्या लिख दें, एस ओ आर इज इक्वल टू 90 डिग्री। देखो अभी ये क्वेश्चन हो गया, दोनों तरफ 90 डिग्री है, इक्वेट कर दो आप, सिंप्लीफाई कर दोगे तो क्या मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ मैंने लिख दिया फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट एंड सेकेंड एंगल एस ओ क्यू माइनस एंगल एस ओ आर इज इक्वल टू एंगल पी ओ एस प्लस एंगल एस ओ आर, ठीक है। रीएडजस्टमेंट करना है। अब देखो इसमें आर ओ एस या एस ओ आर एक ही बात है, तो ये माइनस का इसको इक्वल के इधर ले आओ और इसको इस इक्वल के इधर ले आओ। तो एस ओ क्यू माइनस एंगल पी ओ एस और इज इक्वल टू एंगल एस ओ आर प्लस एंगल एस ओ आर। अब ये दोनों सेम हो गए, टू टाइम्स लिखा जा सकता है इसको, एस ओ क्यू माइनस एंगल पी ओ एस इज इक्वल टू टू टाइम्स एंगल एस ओ आर, ठीक है। इसको इसके नीचे ले आओ तो किस टाइप से आ जाएगा, इस तरीके से एंगल एस ओ क्यू माइनस एंगल पी ओ एस इज इक्वल टू एंगल एस ओ आर, ठीक है। नीचे हम क्या लिख देंगे इसको, हेंस प्रूफ, ये प्रूफ हो गई है, ठीक है। ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, तो अगर आपको ये क्लियर हो गया, समझ में आ गया, तो वीडियो को लाइक करें, ठीक है ना। और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो आप उसको सब्सक्राइब करें। एक क्वेश्चन और रह गया है, एक सेकेंड पढ़ ले उसको, तब देखते हैं कि ड्रॉ ए फिगर फ्रॉम द इंफॉर्मेशन वाई क्यू बाइसेक्ट द एंगल जेड बाई पी, और फाइंड आउट करना बेटा डायग्राम जैसे ही आप बनाओगे और कौन कौन सा गिवन है रिप्रेजेंट करोगे वैसे ही आपके सामने आ जाएगा उसका आंसर, ठीक है ना। तो पॉज द वीडियो एंड कॉपी इट, और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट भी करें। थैंक यू, जय हिंद।